वेलकम टू माय यूट्यूब गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से अपने मोबाइल से ही एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइस, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर है या फिर ट्रैवल में है तो आप अपने स्मार्टफोन से ही यहाँ पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। गाइस, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे और हर एक चीज़ मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा है गूगल क्रोम और दूसरा है हमारा फायर्स का सेंटेक्स। ये भी एक लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा है हमारा फायर्स मार्केट, ये हमारा फायर्स का मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑर्डर लग रहा है कि नहीं। और ये आप देख सकते हो, ये मेरा एक स्क्रीन रिकॉर्डर है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्क्रीन को। तो गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग मोबाइल से एल्गो ट्रेडिंग करने वाले हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने मोबाइल पे गूगल क्रोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और उसको अपडेटेड वर्जन रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये मेरा गाइस गूगल क्रोम आ चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे TradingView.com। तो मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पहले ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको चार्ट ओपन करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो चुका है। अब हमें एक और टैब पे जाना पड़ेगा और टैब पे जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे nextlevelbot.com। आप देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट लेवल बॉट ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक और टैब पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा fires.in। यहाँ पे हम लोग फायर्स को पहले लॉगिन करना पड़ेगा वेब से, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से फटाफट से। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फायर्स लॉगिन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों ने फायर्स वेब को लॉगिन कर लिया है और हमारे पास ट्रेडिंग व्यू भी है जिससे कि हम लोग एल्गो ट्रेडिंग करेंगे जिस तरीके से हम लोग पीसी पे करते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल बॉट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पे एक्सचेंज का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है जीरोधा, अपस्टॉक्स और फायर्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फायर्स पे क्लिक करने वाला हूँ, मैंने वन टाइम क्लिक कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे हमें दोबारा से एक बार फायर्स आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से फटाफट से दे देता हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूँगा। तो गाइस, ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इस टैब को क्लोज कर देना है। मैं जो जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ आपको सेम वही प्रोसेस करना है वन टाइम। अब मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। अब गाइस, हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर पे देखते थे उसी सेम तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का बॉट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं मोबाइल पे। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ कलर ब्लैक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके, सो गाइस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल कमांड हमारा सारा चेंज हो चुका है, पिछले वाला एक भी कमांड काम नहीं करेगा। सो गाइस, हमें कमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फायर सेंटेक्स। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा फायर्स का सारा यहाँ पे एल्गो कमांड आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा ऑर्डर लगाना है, रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे कवर ऑर्डर दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोड को पहले कॉपी कर लूँगा, आपको काफ़ी ध्यान से कॉपी करना है क्योंकि हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन होता है थोड़ा छोटा होता है कंप्यूटर से, इसीलिए मतलब काफ़ी हर एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा कॉपी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉपी नहीं हुआ है, तो हमें इसको ध्यान से कॉपी कर लेना सबसे पहले। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब गाइस, हमें जाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग व्यू पे, ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू। अब गाइस, यहाँ पे हमें यहाँ पे अलर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया अलर्ट का सारा ऑप्शन, जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर पे देते थे उसी तरीके सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कमांड को पहले यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये हमारा कौन सा चार्ट है, SBI का चार्ट है ना, तो इसको हमें SBI लिखना पड़ेगा NTPC को हटा के। मैं इसको SBI लिख दिया हूँ और क्वांटिटी आप देख सकते हो एक ऑर्डर टाइप, एक ऑर्डर लगने वाला है हमारा और -2% नीचे हमारा ये कवर ऑर्डर लग जाएगा। गाइस, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है वेबहॉक URL। मैं इस पर वन टाइम क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वन टाइम क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी URL नहीं है, तो हमें यहाँ पे URL डालना पड़ेगा। तो URL कैसे डालना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा अपने नेक्स्ट लेवल बॉट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल बॉट का हमें होम पेज पे जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो ये मेरा नेक्स्ट लेवल बॉट का होम पेज है और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में लिखा हुआ है वेबहॉक URL। तो इस वाले URL को आपको कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
मैं चेक कर लेता हूँ सही तरीके से कॉपी हुआ है कि नहीं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग दोबारा से चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो वेब हॉक यूआरएल में इसको डाल देना पड़ेगा। सो गाइस मैं इसको दोबारा से एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। आप देख सकते हो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं किया है, खाली यहाँ पे कमांड हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, अपडेटेड कमांड हुआ है। और वेब हॉक यूआरएल में हम लोगों ने क्या करा, नेक्स्ट लेवल बॉट का जो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वेब हॉक यूआरएल आपके नेक्स्ट लेवल बॉट के अकाउंट पे दिख जाएगा। बस इसी यही तरीका है गाइस, बाकी यहाँ पे और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे वॉच टाइप का आइकॉन आ चुका है, मतलब ये वाला हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्टिव हो चुका है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस पर क्या कमांड दिया हुआ है। तो मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको कवर ऑर्डर दिया हुआ है बाय का, ठीक है। तो मैं इसको टच करवाता हूँ और देखता हूँ हमारा बाय हो रहा है कि नहीं। सारा सब कुछ हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉगिन करके रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग व्यू पे दोबारा से, ठीक है। अब मैं गाइस इसको यहाँ पे टच करवाता हूँ और देखता हूँ हमारा फायर्स पे ऑर्डर लग रहा है कि नहीं। गाइस आप देख सकते हो ये टच हो चुका है, हमारा अलर्ट आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे फायर्स पे जो बाय हुआ है कि नहीं। गाइस हम लोग चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, और मोबाइल एप्लीकेशन पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ वन टाइम। ओके दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। ओके गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेंडिंग में मार्केट आ चुका है, और NTPC SBI का हम लोगों ने लगाया हुआ है कवर ऑर्डर, ठीक है आप देख सकते हो। और यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो, क्या मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा ये मोबाइल पे एल्गो ट्रेडिंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे वेब में भी देख लेते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फायर्स वेब पे भी हमारा ऑर्डर लग चुका है। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हमारा लग चुका है। मैंने आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखा दिया है। गाइस आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से करना है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन होता है वो कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है, इसलिए जो कुछ भी आप करोगे काफ़ी ध्यान से करना। सो गाइस आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस बस एक चेंजेस यहाँ पे हुआ है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो चीज़ ये है कि ये वेब हॉक यूआरएल जो आप देख रहे हो ना, ये वेब हॉक यूआरएल आपको डालना पड़ेगा मोबाइल पे। गाइस आप जब भी मोबाइल पे एल्गो ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ये वेब हॉक यूआरएल ध्यान रखना है कि वेब हॉक यूआरएल आपको डालना है, ठीक है, तभी आपका मोबाइल पे एल्गो ट्रेडिंग होगा। और वेब हॉक यूआरएल कहाँ से मिलेगा आपको, आपको नेक्स्ट लेवल बॉट पे जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेवल बॉट के जाने के बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, और डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको आपका वेब हॉक यूआरएल लिख जाएगा ऊपर में। और गाइस जो हमारा ये वाला जो कमांड है ना, जो मैंने अभी यहाँ पे कमांड डाला, ये आप देख सकते हो ये जो कमांड है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। और ये कमांड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ये कमांड को चेक कर सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है मोबाइल पे। सो आई होप गाइस आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुका है, मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पे हर एक चीज़ डिटेल में समझा दिया। और गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।